मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की मांगों का युवा कांग्रेस ने समर्थन किया है। बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रहे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर युवा संवाद और छात्र पंचायत का ढोंग कर रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी से प्रदेश के हजारों युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विगत कई दिनों से हजारों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने इंदौर में भर्ती सत्याग्रह किया और मांग की कि लाखों की संख्या में शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अपनी इन सभी मांगों के साथ 200 किलोमीटर दूर इंदौर से बेरोजगार युवा भर्ती सत्याग्रह यात्रा लेकर भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा हताश हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती सत्याग्रह करने पहुंचे हजारों शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने के लिए शिवराज सरकार ने पुलिस प्रशासन लगाया है। भोपाल के कई थानों में सड़क पर बेरोजगार युवाओं को गिरफ्तार करवा दिया गया, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर युवा संवाद एवं छात्र पंचायत का ढोंग कर रही है, परंतु जब प्रदेश के कोने कोने से आए युवा रोजगार और अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो शिवराज सरकार द्वारा लाठी डंडों की दम पर अपने भांजे भांजियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। युवा कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि हजारों की संख्या में कोने कोने से आए शिक्षित बेरोजगार युवाओं की खाने पीने की व्यवस्था की जाए। भर्ती सत्याग्रह में कई छात्राएं भी शामिल हैं। अगर शिवराज मामा में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो तत्काल चिनार पार्क पहुंचकर भर्ती सत्याग्रह कर रहे हजारों शिक्षित युवाओं की समस्याओं का निदान करें। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शिवराज मामा जो हर साल छात्र पंचायत युवा संवाद का ढोंग करते हैं, आज जब प्रदेश के कोने कोने से आया युवा अपनी जायज मांगों को लेकर राजधानी में भर्ती सत्याग्रह का आंदोलन कर रहा है तो मुख्यमंत्री महोदय के पास समय नहीं है कि प्रदेश के अपने भांजी भांजियों से संवाद करके उनकी समस्या को जाने। आज प्रदेश भर के युवा जो बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, वो लाखों की संख्या में सरकारी जो पद रिक्त हैं उनमें जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को चालू करने की अपनी जायज मांग को लेकर भोपाल आए हैं, जिनको मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा लाठी डंडों की दम पे उनकी आवाज़ को दबाने का यहाँ पे असफल प्रयास किया जा रहा है। उनको भोपाल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और शिवराज मामा मौन है, ये कहीं ना कहीं उनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करते हैं कि तत्काल वो उनकी जायज मांगों को पूरा करें और जो लाखों की संख्या में रिक्त पद हैं सरकारी विभागों में उनको जल्दी से जल्दी उनमें भर्ती प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि जो युवा सालों से तैयारी कर रहे हैं और ओवर एज होते जा रहे हैं उनको बेरोजगारी से राहत देने का काम शिवराज सरकार को यहाँ पे करना चाहिए। जो काल के कपाल पर है, जो भाग्य के भाल पर है, जो है आदि योगी ईश्वर, जय हो कालजयी महाकालेश्वर। करोड़ों भक्तों का अटल विश्वास, सदियों की आस्था, परमानंद का आभास, ये है श्रद्धा का स्वर्णिम काल, दिव्य भव्य महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल एक दक्षिणमुखी शिव का रूप विशाल। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 47 हेक्टेयर के परिसर में नव निर्मित श्री महाकाल लोक दर्शन हेतु तैयार है। शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है सम करोति सह शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सायं 6 बजे लोकार्पण करेंगे श्री महाकाल लोक का। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। ये भारत के सांस्कृतिक पुनः उत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, महाकाल बाबा। आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव के हम साक्षी बने। जय महाकाल।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।